सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस मुख्यालय से लेकर संसद भवन तक कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। आज दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है उनकी नेता के खिलाफ, और इसी के खिलाफ लोग कांग्रेस के सभी बड़े नेता, चाहे वो यूथ कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास हो या फिर सचिन पायलट, तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उन्हें बसों में भर करके डिटेन कर रही है। कल राहुल गांधी भी प्रदर्शन के लिए निकले थे और राजपथ पर धरने पर बैठे थे, उन्हें किंग्सवे कैंप ले जाया गया था। और आज तीसरे राउंड की पूछताछ सोनिया गांधी से हो रही है। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरी हुई है। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं, रवि त्रिपाठी और राजू राज। रवि, अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें तो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप यह लगाया जा रहा है कि उन्हें प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि अगर बात की जाए दिल्ली में डेजिग्नेटेड प्लेस जो है प्रदर्शन के लिए, वो तो जंतर मंतर है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन परमिशन नहीं मिला है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, देखिए पुलिस की व्यवस्था देखिए। कांग्रेस 24 अकबर रोड हेडक्वार्टर, उसके बाहर इतनी पुलिस है जिसके आगे कार्यकर्ता कम पड़ जाएंगे। देखिए पुलिस के का बंदोबस्त जिस तरह से किया गया, और यहाँ से लेकर कई लेयर में एक तरह से आपको कहा था बैरिकेडिंग किया गया है, ताकि इसके आगे और पीछे लोग ना आ सकें। जो भी आता है उनको इस बसों में भर कर ले जाया जाता है। कांग्रेस दफ्तर के अंदर का नज़ारा दिखाना चाहेंगे, देखिए कुछ कार्यकर्ता बच गए हैं जो अभी तक हिरासत में नहीं लिए गए हैं, वो कार्यकर्ता उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है आप लोग को, प्रोटेस्ट तक करने नहीं दिया जा रहा है, इजाजत नहीं मिल रही है, आप दफ्तर के बाहर जा रहे हैं, हिरासत में आप समझ सकते हैं कि एक सोचे समझे तरीके से भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। विपक्ष को खत्म कर देना चाह रहे हैं आज की सरकार में बैठे लोग। लोकतंत्र में आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय को इस तरह से घेर सकते हैं कि मैंने उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता उस कार्यालय में नहीं आ सकता, उस कार्यालय से नहीं जा सकता, आप कार्यालय के बाहर आपकी बहस हो रही थी अभी पुलिस वालों से, क्या लगता है आपको यहाँ से कांग्रेस दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट का कोई जगह, आपने परमिशन आपकी पार्टी ने मांगा था या नहीं मांगा था या नहीं दी गई, क्या हुआ है मामला? देखिए 125 साल पुरानी पार्टी है, परमिशन के बिना तो कुछ करेंगे नहीं। अब यहाँ से मैं तो अंदर से आई थी कि महिला की चलाने की आवाज आ रही थी, इन्होंने यहाँ से महिला को घसीटा है, और मैं देख रही हूँ पुलिस वाले मेल पुलिस फीमेल को घसीट रही है, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, उनके खिलाफ जबरन बल प्रदर्शन किया जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है। राजू राज, इस बीच सोनिया गांधी से पूछताछ कितनी देर हो चुकी है और क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से किस लाइन पर हो रही है पूछताछ? बिल्कुल चंदन, बता दूं कि सोनिया गांधी 11 बजे के करीब यहां पर पहुंची थी और अभी 1:30 बज रहे हैं। लगभग 2.5 घंटे से सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ चल रही है, और 2 बजे का जो टाइम होता है लंच ब्रेक का टाइम होता है। कल भी हमने देखा था कि 2 बजे के करीब सोनिया गांधी को लंच ब्रेक दिया गया था, और उसके बाद वो लंच ब्रेक पर गई थी, उसके बाद 3:30 बजे दोबारा पूछताछ के लिए पहुँची थी, और कल 6 घंटे तक लगातार उनसे पूछताछ चली। आज की पूछताछ 2.5 घंटे से लगातार चल रही है, और हो सकता है लंच ब्रेक मिले इसलिए एक बार फिर से जो ईडी का गेट है यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान एक बार फिर पहुँच गए हैं। जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि जब भी सोनिया गांधी आती हैं और जाती हैं उस समय इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, घेर दिया जाता है, ताकि मीडिया का कैमरा वहाँ तक ना पहुँचे या फिर कोई अवांछित तत्व वहाँ तक नहीं पहुँचे, इसलिए एक बार फिर से यहाँ पर पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची है। जो सवालों का सिलसिला है, लगातार आज तीसरे राउंड की पूछताछ है, और तीसरे राउंड के दौरान लगातार सवाल पूछे जाते हैं जी। कल 2 दिनों तक जो सवाल पूछे गए थे, लगभग 50 के करीब सवाल पूछे गए थे, आज का जो सवाल है
जो फंड ट्रांसफर किए थे 9,20,00,000 जो आईजीएल को दिया गया था कांग्रेस फंड को, उस मुद्दे को लेकर, उस सिलसिले को लेकर तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ ईडी के अधिकारी सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है। सोनिया गांधी के साथ दूसरे कमरे में ये प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं, क्योंकि वो जब जब सोनिया गांधी यहाँ पर आती हैं, प्रियंका गांधी उनके साथ होती है और वो यहाँ पर मौजूद रहती है जितने देर तक सोनिया गांधी से पूछताछ होती है। दूसरी बात, जब सोनिया गांधी आती है उनके साथ राहुल गांधी भी आते हैं उन्हें छोड़ने के लिए, उसके बाद राहुल गांधी यहाँ पर जाते हैं और जो प्रोटेस्ट संसद के अंदर और संसद के बाहर या कांग्रेस ऑफिस के बाहर चल रहा है, उस प्रोटेस्ट के बाहर में राहुल गांधी भी शामिल थे। कल भी राहुल गांधी शामिल हुए थे, कई 50 से ज़्यादा कार्यकर्ता और बड़े नेताओं को डिटेन किया गया था और आज भी कई नेताओं को, कई जो कार्यकर्ता हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें डिटेन किया जाता है। दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं, पूरे नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लगाई गई है, इसलिए सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं करना चाहती दिल्ली पुलिस ने, इसलिए जब भी कोई कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करता है तो उसे वहीं से डिटेन कर लिया जा रहा है। जी बिल्कुल रवि, कांग्रेस की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस केस में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ईडी जबरन पूछताछ कर रही है, गलत शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। इस मामले में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास दिग्गज वकीलों की कमी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाकर के राहत क्यों नहीं ली गई, अदालती अगर बात करें इस मामले में तो क्या कुछ पेच है? नहीं देखिए, अगर आप गौर करें तो इस मामले में मैंने सलमान खुर्शीद से पूछा, जो कानून मंत्री रहे और बड़े वकील भी हैं, उनसे पूछा कि क्या आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले को, जो 100 के आसपास याचिकाएं थे उनको खारिज कर दिया है, पीएमएलए एक्ट को लेकर जो सारे चैलेंज किया गया था, हमने पूछा कि क्या आपकी पार्टी इस मामले में दोबारा रिव्यू के लिए जाएगी, बोले हम तो अभी कोर्ट गए ही नहीं। तो हमने पूछा भी कि आप कोर्ट क्यों नहीं गए, तो इसका जवाब उनके पास नहीं है, कांग्रेस पार्टी आखिर कोर्ट क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि अगर उनके खिलाफ गलत हो रहा है, उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है और उनसे गलत तरीके से पूछताछ की जा रही है, पहले एफआईआर को लेकर सवाल उठाया गया, आज ईसीआईआर को लेकर कहा गया कि ईसीआईआर को लेकर कोई भी रोक नहीं है, मतलब जो कार्रवाई कर सकती है ईडी, जो उसके पास अधिकार है उस पर कोई कटौती नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका मतलब ईडी की कार्रवाई ठीक चल रही है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। कांग्रेस के नेता बड़े बड़े वकील, चाहे सलमान खुर्शीद हैं, चाहे आपका आपको कपिल सिब्बल तो अब चले गए हैं, उसका अभिषेक मनु सिंघवी हैं, आपको रणदीप सुरजेवाला हैं, मनीष तिवारी हैं, तमाम वकील हैं, पी चिदंबरम भी हैं, शायद इस स्ट्रेटजी पर अभी विचार कर रहे हैं, पी चिदंबरम भी हैं बिल्कुल, जो पहले गृह मंत्री हैं, तो तमाम वकीलों के बावजूद शायद कुछ पेच है इस बात को लेकर कि कांग्रेस इस बात पर खुद नहीं जाकर कहीं और से ये सारे पिटीशन डलवाए जा रहे हैं और कोर्ट का रुख देखा जा रहा था, क्योंकि आप देखिए कि कोर्ट में मामला आने से पहले अशोक गहलोत ने बोला कि हम कोर्ट से चाहते हैं कि कोर्ट इस मामले में दखल दे, तो आप कोर्ट जाना चाहिए, अगर आपको कोर्ट से राहत चाहिए तो कोर्ट जाना खुद चाहिए, आप चाहते हैं कि डायरेक्टली कुछ लोग जाएं और उस मामले में कोर्ट जो राय दे उसको आप जीत या हार में तब्दील करें, अगर वहां से कुछ राहत नहीं मिली तो हम कोर्ट नहीं गए ये कह सकते हैं, और राहत मिल जाती तो कहते कि हमारी जीत है, ये तरीका समझ नहीं आ रहा अभी कांग्रेस का कि कांग्रेस खुद कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रही है। ठीक है राजू, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, हमने देखा था राहुल गांधी से लगभग 5 दिनों तक पूछताछ हुई थी और इसमें 40 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई थी, सोनिया गांधी से आज तीसरे राउंड की पूछताछ है, क्या माना जाए अभी सिलसिला और लंबा चल सकता है, कुछ और राउंड की पूछताछ हो सकती है? बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी से आज तीसरे राउंड की पूछताछ चली है, जब 21 जुलाई को सोनिया गांधी को बुलाया गया था पूछताछ के लिए तो 2 घंटे तक पूछताछ चली, कल 6 घंटे की पूछताछ चली और अभी लगभग 2.5 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, यानी कुल मिला के अब तक 10.5 घंटे की पूछताछ सोनिया गांधी से हो चुकी है। अब देखना होगा कि आज जब उनको लंच ब्रेक मिलता है या फिर एक ही बार उन्हें पूछताछ करके बाहर छोड़ा जाएगा, क्योंकि शाम का टाइम होता है जब ईडी के अधिकारियों के जरिए ये जानकारी मिलती है कि सोनिया गांधी को आगे के लिए पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, लेकिन जिस तरीके से पूछताछ चल रही है निश्चित तौर पर लग रहा है कि आगे भी सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि जो अब के जो सवाल जवाब हो रहे हैं उन तमाम सवाल जवाब जो फंड ट्रांसफर को लेकर और किस तरीके से अनियमितता बरती गई, किस तरीके से जो कांग्रेस के फंड को आईजीएल में ट्रांसफर किया गया उसके बाद 50,00,000 का आईजीएल की तरफ से उसको देकर, राजू संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये शुरू से मामला कहां से शुरू हुआ था और क्या है आरोप सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर? देखिए जो आरोप सोनिया गांधी पर लगे हैं राहुल गांधी, यंग इंडिया जो कंपनी बनाई गई थी वो 2010 में बनाई गई थी और यंग इंडिया में जो शेयर धारक थे, 4 शेयर धारक थे जिसमें 38% का शेयर सोनिया गांधी के पास था, 38% राहुल गांधी और 12% का जो शेयर था वो मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। इसके जरिए चूंकि आईजीएल जो नेशनल हेराल्ड कंपनी है उसके उसमें जो घाटे में चल रही थी उसे लोन दिया गया था और लोन के जरिए
लोन माफी के लिए 50 लाख रुपया जो ट्रांसफर किए गए थे उसे लेकर इस पूरे मामले में अनियमितता बरती गई थी। इसे लेकर सुब्रमण्यम स्वामी पटियाला हाउस कोर्ट में लगाए थे और कोर्ट ने इस पूरे मामले को केस जमानत पर इनको छोड़ा था और उसके बाद इस पूरे मामले को ईडी ने टेक ऑफ किया था और उसके बाद ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी और उसी को लेकर सबसे पहले मोतीलाल वोहरा से पूछताछ की गई कि कोई ट्रेजरार थे उस पूरे मामले में। उसके बाद इस मामले में जब खड़गे उनसे भी पूछताछ की क्योंकि उसमें कांग्रेस के बड़े नेता थे और उसका लगातार पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ क्योंकि अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में जमानत पर हैं और इसी सिलसिले में लगातार जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे जो अनियमितता बरती गई है उसे लेकर ईडी सवाल जवाब कर रही है पूछताछ कर रही है उसी के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो लंबे समय से ये मामला चल रहा है, कानूनी तौर पर ये कार्रवाई की जा रही है और इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह सड़कों पर ही नहीं रेल की पटरियों पर भी उतरे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कई जगह ट्रेनें भी रोकी गई हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता झंडा लेकर के बैनर पोस्टर लेकर के ट्रेन की पटरियों पर उतर आए और पुलिस उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रही है और ये बोरीवली की तस्वीरें हैं, ये बोरीवली की तस्वीरें बताई जा रही हैं जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों के सामने ट्रेन के सामने आ गए और ट्रेन को भी रोकने की कोशिश की। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात जिसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया है। और अलग अलग जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये मुंबई के बोरीवली की तस्वीर, मुंबई का उपनगर बोरीवली जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता रेल की पटरियों पर उतर आए और ट्रेन रोकने की कोशिश की, नारेबाजी की। सोनिया गांधी राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि ईडी का गलत उपयोग किया जा रहा है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुंबई के बोरीवली की जहां पे कांग्रेस कार्यकर्ता रेल की पटरियों पर उतर आए, बोरीवली स्टेशन के पास रेल रोकने की कोशिश की गई, सुरक्षा बलों ने उन्हें वहां से हटाया है। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया मैडम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। बोरीवली स्टेशन की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यह हादसा होते होते रह गया। एक कार्यकर्ता ट्रेन की चपेट में भी आ सकता था और यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जो कि काफी आक्रामक तरीके से उन्हें गाड़ी में डालने की कोशिश की जाती है, बस में डालने की कोशिश की जाती है तो भी वो अंदर नहीं जाना चाहते और उनके कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरने के साथ साथ रेल रोकने की कोशिश करते नजर आए हैं मुंबई के बोरीवली में। ट्रेन के सामने आ गए, थोड़ी देर के लिए ट्रेन को रोकना पड़ा, उसके बाद पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने उन्हें वहां से हटाया है। आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी का गलत इस्तेमाल करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ता इसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर उन्हें डिटेन किया गया, वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के उपनगर बोरीवली में रेल की पटरियों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेल रोकने की कोशिश की है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं बोरीवली स्टेशन पर जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए उतरे, रेल रोकने की कोशिश की, सुरक्षा बलों के जवानों ने उन्हें वहां से हिरासत में लेकर के हटाया। इस दौरान हादसा भी होते होते रह गया। सफेद कपड़ों में एक कार्यकर्ता जो कि ट्रेन की चपेट में आ सकता था,